हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कंप्यूटर केयर। मैं हूं सौरभ। आज मैं आपको बताने वाला हूं विंडोज 10 या विंडोज 11 में होम एडिशन में, खास करके विंडोज 10 और विंडोज 11 का आप बिट लॉकर कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं उस बारे में। अभी जो हम आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ दोनों विंडोज 11 और 10 में सेम प्रोसेस है। अभी हम जो कर रहे हैं विंडोज 11 का होम एडिशन है, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद हम लोग को यहाँ जाना है सर्च बटन में। तो उससे पहले हम आपको ड्राइव दिखा दे रहा हूँ जिसको अभी डिसेबल करना है बिट लॉकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिट लॉकर लगा हुआ है जिसे अभी हम लोग डिसेबल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ सर्च बटन में आते हैं, यहाँ पर सर्च करेंगे पावर एंड सेल। पावर सेल पर आने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यस करके ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास खुल जाता है। अब यहाँ पे कुछ कमांड डालने हैं, उसी को आपको समझना है और सेम प्रोसेस अपनाना है। तो सबसे पहले यहाँ जो कमांड हमें डालना है डिसेबल माइनस एल कैपिटल में रहेगा बिट लॉकर माउंट, पी कैपिटल में फिर रहेगा माउंट पॉइंट। सेम इसी तरह का प्रोसेस आपको डालना है। यहाँ जो भी आपका ड्राइव रहेगा उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी यहाँ डी ड्राइव सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी अपने अनुसार जो भी ड्राइव रहेगा आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। क्लोज कर दिए। उसके बाद अब मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करते ही कुछ यहाँ मेरा डिक्रिप्शन चालू हो गया है। अब यहाँ एक कमांड और डालना है और आपको पूरे ध्यान से देखना है। ये कमांड बस एक बार डाल देते हैं, आपका बिल्कुल पूरा रिमूव हो जाता है। अब यहाँ डालना है मैनेज माइनस बी डी ई के बाद माइनस ऑफ। अब ड्राइव डाल दे रहे हैं, डी ड्राइव है जैसे कि, तो मैं डी ड्राइव डाल दिया। अब यहाँ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। डिक्रिप्शन इज नाउ इन प्रोग्रेस। अब आपको मैं अपने ड्राइव के पास लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैनेज बी डी ई स्टेटस देख लेते हैं। मैनेज करेंगे बी डी ई स्टेटस देख ले, स्पेस नहीं दिए थे जिसके चलते मैनेज बी डी ई हो गया स्टेटस। अभी हम लोग जो किए हैं डी ड्राइव का किए हैं। अब यहाँ देखेंगे हम लोग डी ड्राइव का, ये ई ड्राइव है और ये डी ड्राइव फुली डिक्रिप्टेड, तो मतलब प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ जैसे सी ड्राइव में लॉक था वैसे डी ड्राइव में था, जो कि हट गया। मेरा ई ड्राइव और डी ड्राइव दोनों डिक्रिप्टेड है। तो इस तरह का जानकारी के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कैसे हम इसे इनेबल करके फिर से लॉक करते हैं उस बारे में।